पूरे भारतवर्ष में 31 अक्टूबर को दिवाली मनाई जाएगी। उसके पहले लोग घर की रंगाई पुताई जोरों से कर रहे हैं। अगर वास्तुशास्त्र के अनुसार दिवाली में रंगों की पुताई कराई जाए तो माँ लक्ष्मी सदैव प्रसन्न होती है। आइए पंडित जी से जानते हैं कौन से दिशा पे कौन से रंग की पुताई कराना चाहिए। भारतवर्ष में दिवाली का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिनों सब अपने अपने घर का सफाई करते हैं, घरों की दीवार पर रंगाई पुताई करते हैं और भी अपने दुकान स्थान, घर स्थान और अन्य जगहों पर की साफ सफाई की जाती है, उसमें अलग अलग रंगों से रंगाई की जाती है। भारतवर्ष में हिंदू धर्म सनातन को मानने वाले और शास्त्रों को मानने वाले रंगों को बड़ा महत्व देते हैं। प्रत्येक रंग का अलग अलग महत्व होता है। उसी प्रकार हम दीपावली पर घर की रंगाई पुताई भी वास्तु अनुसार और शास्त्रों अनुसार करवाई जाए तो उससे हमें बहुत फ़ायदा मिलता है और हमारे घर में शुभता का प्रतीक आदि माना जाता है। इसी प्रकार हम दिशाओं की बात करें, प्रत्येक दिशाओं में एक अलग अलग रंग की दिशाओं का वर्णन, रंग का वर्णन कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार पूर्व दिशा में अगर हमारा घर है तो घर की पूर्व दिशा में सफ़ेद रंग का रंगाई हमें करना चाहिए। ये सफ़ेद रंग जो होता है ये आनंद का प्रतीक होता है, शांति का प्रतीक होता है। इसे पूर्व की दीवार पर लगाने से घर में रहने वाले व्यक्ति को मानसिक शांति प्राप्त होती है और शीतलता प्राप्त होती है। अगर हम नीले रंग की बात करें तो घर की पश्चिम दिशा में नीले घर से नीले रंग से रंगाई करवाना चाहिए। नीला रंग मानसिक शांति का प्रतीक माना जाता है। मन शांत इससे रहता है और एक अनुकूलता का प्रतीक यह माना जाता है। उसके पश्चात यह जो नीला रंग है यह अनुकूल स्थितियां बनाता है और स्थिरता का प्रतीक है। इसलिए घर की दीवारों पर हमें पश्चिम की ओर यह नीले रंग को करना चाहिए और यह ध्यान रखें कि नीला रंग ज़्यादा गहरा ना हो, वो मध्या नीला कहा जाए। यहीं हम उत्तर दिशा की बात करें तो उत्तर दिशा में हमें हरे रंग का रंगाई करवाना चाहिए। यह हरा रंग शांति का प्रतीक कहा गया है, हरियाली का प्रतीक कहा गया है। अगर उत्तर दिशा में हरे रंग की रंगाई की जाए तो यह घर में सुख समृद्धि का वास रहता है। दक्षिण दिशा की बात करें तो दक्षिण दिशा, घर के दक्षिण दिशा में लाल रंग का रंगाई करवाना चाहिए। लाल रंग शक्ति का प्रतीक माना जाता है और यह घर में खुशियाँ लाता है और घर में शक्ति भरा माहौल रहता है। और व्यापार स्थान पर भी यह लाल रंग कराएं तो व्यापार में वृद्धि होती है और घर में लाल रंग करवाने से मन आत्मिक शांति मिलती है। घर और दुकान में नारंगी और पीले रंग का उपयोग किया जाए तो यह ज्ञान का प्रतीक होता है। इस प्रकार घर की रंगाई पुताई की जाए तो अनेक प्रकार से शांति प्राप्त होती है और खुशहाली का माहौल बना रहता है।